बामुण बन गए मेरा साल वही रह गया रे हो अब पूरी पूजा उजा में हमारा यही कराने वाले हैं पाठ आठ सब बामुण बन गए मतलब बामुण बन गए जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे हाँ जी जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा रात हो गई थी लास्ट व्लॉग में यही देखा होगा आपने रात हो गई थी गंगोली आर्ट से आते आते तो कल शाम को लगभग कितने बजे पहुंचे होंगे हम यहाँ लेटी पहुंच गए थे अंधेरा हो गया था जो लास्ट क्लिप आपने देखा होगा वो था चहज का तो उसके बाद फिर घर पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था तो कल हम आ गए थे सिनलेक क्योंकि यहाँ हमारी पूजाएँ वगैरह हैं तो वो तो आगे पता चलता जाएगा आप लोगों को तो आज की फ्रेश मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सिनलेक से और काइनो को दो घंटे हो गए उठे हुए काइनो और अभी है 7:30 का टाइम लेकिन धूप वगैरह कहीं नहीं है तो इसलिए कमरों में बंद धूप तो आएगी 9:30 और अच्छे से आएगी 10:30 यहाँ पर अगर जहाँ पर हम खड़े हैं फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 7:30 और दिनचर्या स्टार्ट हो गई है अब ठंडा काफ़ी है यहाँ भी और धूप जल्दी ना आने की वजह से ठंडा काफ़ी ज़्यादा भी लगता है यहाँ फिलहाल थोड़ी देर में दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है फिर घर पे और शिवांश नम्मू लोग भी सब लोग पहुँच गए हैं भैया भाभी लोग दादा भाभी लोग भैया बोल रहा हूँ भैया तो बोलता ही नहीं हूँ तो बाकी अब करते हैं फिर कुछ रोजगार मेरे कपड़े कितने मैले हो रहे हैं तो सुबह सुबह का सिनलेक का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है भाई उधर तो दिख ही नहीं रहा है मेरे ननिहाल साइड मतलब इधर है जिंगल हरड़ा जो भी और भी गांव आते होंगे ये लास्ट इस बॉर्डर पे ये तो सुगड़ी है सामने पे ऊपर चमलेक है तो अभी तो ये कोहरा कोहरा सा दिख रहा है थोड़ी देर में धूप आएगी यहाँ कहीं से सुबह 7 बजे स्नेहा लग गई है आग वाग जलाने में अभी लेके जा रहा हूँ मैं आपको नीचे हमने बकरियाँ बांध रखी है ना पूजा के लिए जो है बाकी क्या क्या हो रहा है आजकल घरों में वो थोड़ी देर में दिखाता हूँ काइनू कितना खुश हो रही है जाने में नम्मू भी है ना साथ में तभी अरे अरे वाह अरे वाह ये देखो तो इसको ये कहाँ आ गए काइनू हम काइनू का रिएक्शन बकरियाँ है ना इधर धीरे धीरे मस्त धूप खिलने लग गई है अब और 10:30 का टाइम हो गया और ये सारी बकरियां हैं 1, 2, 3, 4 ये तो बहुत खतरनाक है भाई ये तो मारने आ रही है और ये भी हैं तो कुल मिला के 6 बकरियां हैं इसमें से 1-2 बकरियां तो पहले से हमारी थी घर में जो थी 2-3 थी शायद और 2-3 ये मंदिर में जो पूजाएं हैं उसके लिए अभी और भी लानी है जो महाकाली में पूजा है उसके लिए और भी लानी है और हमारे घर पे ना जगह ही नहीं हो रही है जगह क्या नहीं हो रही है वहाँ पे सीमेंट किया है ना मतलब नया नया सीमेंट लगाया है मतलब दीवार पे तो ये तोड़ देते हैं उसको तभी हमने कल से इनको यहाँ पे बांधना शुरू कर दिया राजीव दा लोगों के घर के बिल्कुल सामने ये राजीव दा लोगों का घर इनमें से कौन सी वाली बकरी कहाँ कटनी है ये तो नहीं पता है अभी ये देखिए 6-6 बकरियाँ हैं और कल से जागर भी शुरू हो जाएगा जागर मतलब अम्मा बब्बू का जागर लगना है 2 दिन का रुक जा और फिर उसके बाद 2 बकरियां तो वहाँ के लिए हो गई अम्मा बब्बू के मंदिर के लिए और 2 हो गई हमारे घर पे जो गोलजू का मंदिर होता है उसके लिए और 2 हो गई और 3 हम तीनों के लिए नहीं 2 बकरियां महाकाली मंदिर के लिए हैं तो टोटल मिला के 6 बकरियां कटनी है इसमें से शायद 1-2 तो नहीं कटेंगी इस इन वालों में से क्योंकि ये हमारे घर की ही थी जो लाए होंगे मंदिरों में काटने के लिए वो वाली काटेंगे अब मिलाते हैं आपको नम्मू से नम्मू कैसा लग रहा है तेरे को गांव में आके अच्छा अच्छा लग रहा है नम्मू कौन सी क्लास में पढ़ता है बताना जरा फर्स्ट में पढ़ता है यहाँ यहाँ मन लग रहा है तेरा या वहाँ लगता है इसका आंसर नहीं पता नम्मू बोलता है उसको इसका आंसर नहीं पता कि उसका मन हल्द्वानी में ज़्यादा लगता है या फिर यहाँ ज़्यादा लगता है तो ये लोग भी कल पहुँच गए थे दादा भाभी लोग सब लोग शिवांश तो अभी सोया है पता नहीं क्या कर रहा है शिवांश से थोड़ी देर में मिलाऊंगा शिवांश यार पिछली बार आया था तो पता होगा आप लोगों को काफ़ी बीमार हो गया था
तो थोड़ी देर बाद शिवांश को भी मिलाएंगे। जाना पड़ा था फिर। रात को जाना पड़ा। हाँ उस दिन याद है तेरे को, रात में गए थे तुम लोग है ना, तेरे को उल्टियाँ हुई थी रात में फिर वहाँ। बस हो गया था। पिछली बार ये लोग यहाँ से ना रात में गए थे फिर, पापा भाभी शिवांश नम्मू, क्योंकि शिवांश की तबीयत काफी खराब हो गई थी उस टाइम। बकरियां, बकरियां तो घर में रहती है ना। कहां? हमारे घर में अंदर गोट में। और सुबह यहाँ जाती है। सुबह यहाँ कौन लाता है इसको? सुबह 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 अभी हम तो लाए हैं। मैंने तेरे दादू और मैं, मैंने नहीं देखा। तू सोया था शायद। और मैं इसको इसलिए घुमाने में हूँ ना क्योंकि स्नेहा बना रही है नाश्ता, इसलिए मैं इसको नीचे ले आया था, क्योंकि ये फिर नाश्ता वास्ता कुछ बनाने नहीं देगी। अभी हम खेत में जाएंगे। टाइम लगेगा क्योंकि आज परिवार हमारी काफी बड़ी है। आजकल गाँव में ना आलू वगैरह भी हो रखे हैं, देखो आलू की फसल होने वाली है जल्दी। खैर ये वाला हमारा नहीं है, हमारा तो यहाँ ऊपर पे है, ये दिख रहे हैं हल्के हल्के पेड़, अभी दिखाऊंगा। ये हमारा पहाड़ी किचन, और किचन में बना रही है स्नेहा खाना पीना, नाश्ता मतलब सुबह का। पहाड़ी किचन खासे गैस है इधर, गैस है। अच्छा पहाड़ी वाला बाहर हुआ ना, पहाड़ी वाला वो वाला हुआ, वो वाला। तो बढ़िया नाश्ता वास्ता लग गया है फटाफट, मैं तो कर लेता हूँ नाश्ता, काफी लेट हो गया वैसे, 11 बजने को है अब जाके नाश्ता हो रहा है। तो बढ़िया नाश्ता वास्ता करा दिया स्नेहा ने, फिलहाल देखो स्नेहा क्या कर रही है। वाह स्नेहा नहला रही है आज भैंस, पहली बार नहला रही हो क्या? पहली बार ही नहला रही है, मतलब इस बार का पहली बार, इस बार का पहली बार नहला रही हूँ, लेकिन कल ही तो आई हूँ। ये देखिए हमारी एक सिंग वाली भैंस, मतलब डेढ़ सिंग बोल सकते हो है ना, डेढ़ सिंग या गोपुली नाम है इसका, गोपुली, और गोपुली का बच्चा इसका भी नाम है गोपुली, इसका नाम है गोपू। गोपू ये भाभी श्री सात कंबल दे रही है यार। सात कंबल धोके सात कंबल धोके आए सात कंबल धोके भाभी जी आते आते हमारे नाश्ता कर बामुड़ बन गए। मेरा साल वही रह गया रे, वो अब पूरी पूजा उजा में हमारा यही कराने वाला है, पाठ आठ सब। बामुड़ बन गए मतलब बामुड़ बन गए, जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे, डिटेल में नहीं बता सकती। अच्छा ऐसा है क्या? बामुड़ जो मतलब जिनके हाथ का सब कुछ होता है उसका अपोजिट। अच्छा ये जाकर मैं पू बनाने के लिए पुए बनाने के लिए चावल भिगो दिए हैं, भिगो के सुखा दिए, भिगो के सुखाए हैं, धोके सुखा दिए हैं। तो यार घरों में सब्जियां क्या हो रही हैं वो दिखा देता हूँ एक बार आपको। लहसुन आलू हो रहे हैं, पहले भी दिखाया था, और मेथी, रुक जा थोड़ी देर यार व्लॉग बनाने दे यार। मेथी धनिया में तो बिल्कुल फूल वूल आ रखे हैं, सरसों भी है, धनिया भी है, ऊपर यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ लगा था यार। ये देखो मूली उली की जड़ें हैं, लहसुन, इसमें भी लहसुन है शायद। घर पे ना जहाँ तहाँ देखो हमारे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, बच्चे शिवांश हो गया, नम्मू हो गया, काइनू के हो गए, सबके कपड़े ही कपड़े, फिर एक्स्ट्रा थोड़े बहुत हमारे भी हैं, पूरा घर पे ना कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। वहीं रह, मत कर बदमाशी, मत कर। अरे गधे। तो फिलहाल शाम का टाइम हो गया है और मम्मी और मैं आ गए हैं ये बकरियों को ले जाने। ये तो बहुत ही शैतान बकरी है यार, इनको यहाँ से ले जाना है अब अपने घर की ओर। चल भाई चल, चला आजा आजा, इतनी शैतान है ना यार, ये मारने भी आ रही है, चला जा।